सब्सक्राइब कीजिए रमन क्लासेस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस के अपडेट पाने के लिए। कैसे हैं आप लोग? रमन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं झारखंड असिस्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2014 के अंतर्गत आपके सचिवालय सहायक का जो एग्जाम हुआ था 28 जून 2015 को, तो आज हम लोग उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज जो क्वेश्चन आपका था कि किलो वाट डैश को मापने की एक इकाई है, तो इसमें जो सही आंसर आपका बी नंबर जो है शक्ति, जो वाट जो है वो आपका सही आंसर है। तो इसमें जो देखिए आपका वर्क पूछा गया था ऑप्शन में, तो इसको मैं बता दूं, इसका आपका जूल होगा। बिजली जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो आपका किलो वाट आवर होता है, और वर्तमान यहाँ पे नहीं होगा, ये आपका करंट है, ये आपका मिसप्रिंट यहाँ पे हुआ था, तो ये करंट होगा इसका। चलिए आगे हम लोग देखते हैं दो नंबर क्वेश्चन, जो कि आपका झारखंड हिस्ट्री से पूछा गया था। उसमें आपका देखिए विद्रोह पूछा गया था 1875 ईस्वी में, कौन सा विद्रोह हुआ था? तो याद रखिएगा संताल विद्रोह जो है आपका 1875 ईस्वी में हुआ था। तीसरा जो क्वेश्चन है आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें कि आपका पूछा गया था कि सोवा राय पहाड़ियां कहाँ पे स्थित है, तो आपका ये डी नंबर है तमिलनाडु। चलिए चार नंबर क्वेश्चन है आपका, इसमें कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन से मेन्यू के तहत आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रिंट का विकल्प मिल जाएगा, तो इसमें फाइल इसका सही आंसर होगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन था, झारखंड का निर्माण कब हुआ था? सी नंबर 2000 ईस्वी में। आईपीएल 2015 के उप विजेता कौन था? तो ये आपके चेन्नई सुपर किंग, तो उस समय आपके जो 15 में एग्जाम हुए थे, इसलिए 15 के करंट अफेयर्स पूछे गए थे आपका खेल और खिलाड़ी से। चलिए रीजनिंग के क्वेश्चंस देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें आपका फिल इन द ब्लैंक्स था, यहाँ पे आपको भरना था क्या होगा, इसका सही आंसर जो होगा 12 होगा। तो आप देखिएगा कि इसको आप सम है, इसमें सबको जोड़िएगा इसका, तो आपको इसमें सबको जोड़ करके आपका एक नंबर आता है, तो वो आपका 12 नंबर कीजिएगा तो वो आपका सही होगा। चलिए आठवां जो क्वेश्चन है आपका, हीरा डैश एक अवरूपी स्वरूप है, इसमें पूछा गया था आपका कि हीरा किसका अवरूप है, तो इसमें कार्बन आपका सही आंसर है। चलिए नौ नंबर आपका देखिए क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि आपका अनुपात से रिलेटेड था, जिसमें कि आपका दो ट्रेन का अनुपात दिया गया था, जिसमें कि आपका दूसरा ट्रेन जो है पाँच घंटे में 600 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो पहली ट्रेन की गति क्या है? तो ये आपका देखिए इसको निकाल लीजिएगा, ये आपका बहुत इजी क्वेश्चन है, ए नंबर इसका सही आंसर होगा 96 किलोमीटर पर आवर। उसी प्रकार आपका दसवां जो क्वेश्चन है वो भी आपका मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि आपका जिसमें कि आपका 100 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, जिसमें 60 विद्यार्थी विज्ञान 80 विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, 5 विद्यार्थी जो है विज्ञान और गणित दोनों में विषय में अनुत्तीर्ण रहे, तो कितने विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण रहे, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से रिलेटेड था, वो था आपका कि बाइनरी का जो है प्रणाली का आधार क्या है, बेस पूछा गया था कि बाइनरी का बेस क्या होता है, तो आपका देखिए ए नंबर होगा 2। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, नंबर क्वेश्चन जो है आपका कंप्यूटर से था, तो जिसमें आपका पूछा गया था कि स्पीकर जो है ये कौन सा डिवाइस है आपका, कि आउटपुट डिवाइस है कि इनपुट डिवाइस है, ये पूछा गया था, तो ये आपका ये आउटपुट डिवाइस है। चलिए 13 नंबर भी उसी प्रकार आपका था कि छूटा हुआ संख्या आपको ज्ञात करना है, तो आप देखिएगा कि इसको जोड़िएगा, इसको जोड़ने के बाद जो सम होता है इसका इक्वल सम होना चाहिए, तो आपका सी नंबर जो है ये आपका 13 सही आंसर है। चलिए 14 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका, नाभिकीय विखंडन डैश के प्रभाव के कारण होता है, तो ये आपका देखिए साइंस से क्वेश्चन था, तो इसमें बता दूं आपको कि न्यूक्लियर फिशन कहते हैं इसको, नाभिकीय विखंडन को, तो ये याद रखिएगा ए नंबर इसका सही आंसर होगा, न्यूट्रॉन। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, चंद्रमा पे जाने वाले भारत के पहले यान चंद्रयान 1 को कहां से प्रक्षेपित किया गया था, इसमें आपका सही आंसर है श्रीहरिकोटा। चलिए आगे है आपका, परमाणु डैश से बने होते हैं, तो आपका ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, ये आपका सही आंसर है 16 नंबर का। चलिए 17 नंबर आपका जो है कि पाकिस्तान का राजधानी पूछा गया था आपका, तो ये इस्लामाबाद होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन जो आपका रीजनिंग से पूछा गया था, जिसमें आपका पूछा गया था कि काला जो है वो सफेद से संबंधित है, तो छत जो है वो किससे संबंधित होगा, तो आपका सही आंसर होगा मंजिल से संबंधित होगा। तो याद रखिएगा छत को जो है वो
रूफ कहा जा गया है इसमें इंग्लिश वाले क्वेश्चन में, और जो सही आंसर जो होगा डी, जो फ्लोर से रिलेटेड है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है आपका। इसमें पूछा गया था आपका कि कौन इसमें है जो कि ऑनलाइन टिकट बुकिंग पोर्टल है, तो इसमें जो है सही आंसर जो है मेक माई ट्रिप जो है, ये आपका सही आंसर है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि विंडोज 8 जो है ये कौन सी कंपनी का उत्पाद है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट बनाती है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन आपका पूछा गया था, मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसमें कि आपका औसत से क्वेश्चन पूछा गया था, ये आप देख लीजिएगा इसको, तो इसका सही आंसर जो होगा आपका ए होगा। चलिए 22 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है आपका, इसमें पूछा गया कि कौन सा आपका ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल नहीं है, ये याद रखिएगा, तो इसके सी नंबर जो है मोजिला फायरफॉक्स जो है वो आपका नहीं है। चलिए 23 नंबर आपका जो है मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क से पोस्ट क्वेश्चन था आपका। 24 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, ये देखिए इसमें पूछा गया था कि स्पीकर कब सदन में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है, ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन था, तो आपका सी नंबर जो होगा केवल मतों की बराबरी की स्थिति में, जब मत बराबर हो जाते हैं तब वो करते हैं। चलिए 25 नंबर जो है, कौन सा राज्य झारखंड के पूरब में स्थित है, तो आपका ये बाउंड्री से क्वेश्चन पूछा गया था मैप में, तो ये आपका सी नंबर जो है पश्चिम बंगाल। चलिए 26 नंबर जो है आपका रीजनिंग से क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन है आपका, ये आप इसको देख लीजिएगा। चलिए 27 नंबर जो है, 2014 में स्वच्छ भारत अभियान का आधिकारिक शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये क्वेश्चन आपका करेंट अफेयर्स पूछा गया था, तो आपका ए नंबर राजघाट होगा। चलिए 28 नंबर उसी प्रकार आपका देखिए मैथ का क्वेश्चन है, जब आप अपने सीपीयू यूनिट को स्पर्श करते हैं तब वह बहुत गर्म होता है, तो इसका सबसे अधिक संभावित कारण क्या हो सकता है, तो इसमें देखिए इसमें कहा गया है कि डी जो है प्रोसेसर के गर्मी सिंक के समस्या के कारण, तो इसका डी नंबर सही आंसर होगा। चलिए 30 नंबर भी आपका रीजनिंग से क्वेश्चन था। चलिए 31 नंबर चलिए हम लोग देख लेते हैं, सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था आपका, उसका ए होगा आपका टेनिस। चलिए 32 नंबर आपका आकृति से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो ये आपका हो जाएगा इसका सही आंसर बी जो है 2 होगा इसका सही आंसर। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है आपका कि डैश की जन्म शताब्दी के अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक स्मारक सिक्का का जारी किया गया, तो वो किनके नाम पे किया गया है, स्वामी विवेकानंद, ये आपका करंट क्वेश्चन था उस समय का। तो चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है आपका कि शांति का सबसे बड़ा गैलेंट्री पुरस्कार कौन सा है, तो आंसर इसका सही होगा अशोक चक्र। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन जो है आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन था, जिसमें आपका पूछा गया था कि घाटा वित्त पोषण का मतलब है कि सरकार डैश से पैसे उधार लेती है, तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर आरबीआई। तो मैं बता दूं आपको कि घाटा वित्त पोषण का जो इंग्लिश मीनिंग होता है डिफिसिट फिनेंसिंग, तो ये याद रखिएगा। चलिए 36 नंबर आपका क्वेश्चन है कि पोटासियम नाइट्रेट का उपयोग डैश के उत्पादन में होता है, तो उर्वरक इसका सही आंसर है। 37 नंबर क्वेश्चन है आपका कि इसमें आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसमें आपको बोला गया कौन सा जो है भिन्न है। चलिए 38 नंबर जो है पंडित रविशंकर डैश के प्रतिपादक हैं, तो आपका सही आंसर होगा डी सितार। चलिए 39 क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन अधिक मात्रा में सूर्य के प्रकाश को वापस परावर्तित करता है, तो सी नंबर इसका सही आंसर है आपका, नई बर्फ से ढकी जमीन। चलिए आगे जो है आपका कि अस्पताल रोगियों से संबंधित है, तो उसी प्रकार विद्यालय जो किससे संबंधित होगा, तो विद्यार्थियों से ए नंबर इसका सही आंसर होगा। 41 जो है आपका रीजनिंग से पूछा गया था, जिसमें आपका कि लुप्त संख्या आपको बताना था। चलिए 42 नंबर जो है आपका DBMS का मुख्य कार्य क्या है, तो देखिए इसका जो DBMS कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसमें आपका डी होगा बड़े पैमाने पे डाटा संग्रह और प्रक्रिया करना, आपका सही आंसर है। चलिए 43 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ये आपका रीजनिंग से संबंधित है क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन है वो भी आपका रीजनिंग से संबंधित है, ये भी आप देख लीजिएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन जो है आपके देखिए एक शॉर्टकट की से पूछा गया था, जिसमें पूछा गया था कि सभी सक्रिय विंडो बंद करने के लिए कौन सा कुंजी का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा बी नंबर Ctrl F4। चलिए 46 भी आपका रीजनिंग से रिलेटेड था। 47 क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है आपका कि कौन सा जो है इसमें टीम इवेंट नहीं है, तो सी नंबर शतरंज उसका सही आंसर होगा। 48 में आपका रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है, जो आपका ए नंबर होगा सही आंसर। 49 जो है इसमें पूछा गया कि जस्तिकृत लोहे की चादरों पर डैश की परत लगाई जाती है, तो बी नंबर इसका सही आंसर होगा ए जस्ता सही आंसर होगा। चलिए 50 नंबर आपका क्वेश्चन पूछा गया है आपका मैथ से क्वेश्चन है। 51 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है, तो आपका डी नंबर नवीन पटनायक।
चलिए 52 नंबर क्वेश्चन जो है आपका है, पूछा गया है कि इनमें से कौन सा इंटरनेट का उपयोग करने के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता है। तो जो डी नंबर जो है, एडोब रीडर जो है, ये आपका फाइल होता है, ये नहीं लाया जाता है। चलिए 53 है आपका, पूछा गया है आपका कि व्यक्तिगत काले बिंदु जो मॉनिटर में तस्वीर को बनाता है उसे क्या कहते हैं। तो ये याद रखिएगा सी नंबर, उसे पिक्सल कहते हैं। चलिए 54 जो है क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सा राज्य नहीं है। तो ये आपसे पूछा गया है, ये बहुत इजी है आपका, सी नंबर चंडीगढ़ इसका सही आंसर होगा। 55 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इसमें पूछा गया आपका कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो आपका ये 12 अनुसूचियां हैं सही आंसर है। चलिए विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए 57 है आपका, रीजनिंग से क्वेश्चन है आपका, ये आप देख लीजिएगा, डायरेक्शन से क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा डी, दक्षिण। चलिए 58 क्वेश्चन है आपका, डैश सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट का एक उदाहरण है, तो बी नंबर ट्विटर इसका सही आंसर है। चलिए आपको इसमें विषम को छांटना है आपका, ये रीजनिंग का, ये जेली फिश होगा। चलिए 60 नंबर जो है आपका, ये आपका क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से है, ये आप देख लीजिएगा इसको, इसका सही आंसर होगा डी नंबर। चलिए 61 नंबर, ये आपका देखिए करंट क्वेश्चन पूछा गया था कि पैराग्लाइडिंग विश्व कप अक्टूबर 2015 में हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे आयोजित हुआ, ये तो आपका ए नंबर होगा कांगड़ा घाटी। चलिए उसी प्रकार आपका देखिए 62 में आपको है कि आपका सीरीज का क्वेश्चन है, आगे क्या होगा उसको भरना है, तो सही आंसर आपका 40 ए नंबर होगा। 63 आपका है, देखिए सीपीयू का इसमें आपका पूछा गया है, फुल फॉर्म पूछा गया है, तो आप इसको सी नंबर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए 64 आपका देखिए, इसमें पूछा गया है केबल का उपयोग के बिना कम दूरी पर मोबाइल उपकरणों के बीच में डाटा जो आपका ट्रांसफर होता है उसकी विधि को क्या कहते हैं। तो ये देखिए ब्लूटूथ जो है उसका एक तरह से काम पूछा गया है, तो ब्लूटूथ जो होता है वो आपका तार, बिना तार का होता है। चलिए 65 जो है आपका देखिए, प्रकाश वर्ष जो है वो आपका डैश की एक माप इकाई है, तो आपको बताना है कि ये प्रकाश वर्ष किससे है, तो तारों की दूरी मापने में इसका प्रयोग होता है, वो आपका पूछा गया। चलिए 66 क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, तो आपका देखिए सी नंबर जो है, सी प्लस जो है वो आपका प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। चलिए 67 हम लोग देख लेते हैं, इसमें पूछा गया कि एक सॉफ्टवेयर के लिए मदद के उपयोग करने के इस्तेमाल की जाने वाली कुंजी क्या है, तो F1 जो है वो आपका सही आंसर है। 68 जो देखिए आपका ए से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। 69 जो है इसमें आपका राजधानी पूछा गया है, पंजाब की राजधानी क्या है, तो ए नंबर होगा चंडीगढ़। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपका कि इनमें से कौन से ग्रह प्राकृतिक उपग्रह या चंद्रमाओं की संख्या से अधिक है, तो आप याद रखिएगा बृहस्पति इसका सही आंसर है। चलिए आगे आपका कि रोमन अंक डी जो कैपिटल डी है उसका तात्पर्य क्या है, तो इसका याद रखिएगा ये डी जो होता है ये 500। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन आपका देखिए, रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें आपको सीक्वेंस में लाना है। चलिए 73 जो है आपका कि फोटोशॉप कौन से सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है आपका, तो ए नंबर होगा फोटो एडिटर। चलिए 74 उसी तरह आपका पूछा गया है कि आपका वैन का आपका फुल फॉर्म पूछा गया है कि लैन वैन, ये सब का आपका फुल फॉर्म पूछा गया, तो वैन का इसमें जो होगा बी नंबर, वाइड एरिया नेटवर्क। चलिए उसी प्रकार आपका 75 जो है इसमें से पूछा गया कि आपको इसमें चूज करना है कि कौन सा इसमें अलग है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, बी नंबर इसका सही आंसर होगा। 76 आपका उसी तरह का देखिए, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है आपका, डी नंबर इसका सही आंसर है। 77 देखिए आपका पूछा गया है क्वेश्चन कि, चलिए इसमें क्वेश्चन आपका पूछा गया कि 150 GB का डाटा को आप सुरक्षित करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, तो बी नंबर आपका जो है 150 GB पोर्टेबल हार्ड डिस्क आपको चाहिए, यह क्वेश्चन पूछा गया था। उसी प्रकार आपका देखिए कर्नाटक राज्य का आधिकारिक भाषा पूछा गया आपका, तो सी होगा कन्नड़। 79 में आपको पूछा है कि मानसून के प्रारंभ में बोई जाने वाली फसल को डैश कहा जाता है, खरीफ और रबी, ये आपका मेनली पूछने का इसका तात्पर्य था, तो 79 इसका सही आंसर, सी नंबर इसका सही आंसर होगा। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन है आपका, डैश के द्वारा बहुत छोटे समय अंतरालों को सही तरीके से मापा जाता है, तो सी नंबर जो है एटोमिक घड़ियां, तो ये आपका सही आंसर है। चलिए 81 में हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, इसमें आपको पूछा गया, तो सी नंबर जो है ओरेकल जो है वो नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन सब जो है, देखिए ये आप क्वेश्चन जरूर देखिएगा, दो बार जरूर क्वेश्चन पढ़िएगा, तो बहुत सारा क्वेश्चन जो है नहीं है करके आपसे पूछा गया है। चलिए 82 आपका देखिए, इनमें से कौन सा किरण अधिक मात्रा में प्रवेश करती है, इसमें आपको पूछा गया है, देखिए अल्फा बीटा गामा ये सब में आपसे पूछा गया, तो सी नंबर याद रखिएगा, गामा किरणें जो है सही आंसर है। देखिए नॉर्थ संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा गया कि
कितने रुपये के नोट पे महात्मा गांधी की तस्वीरें मुद्रित होती है। तो ये देखिए सारे जिसमें हैं, तो इसमें आपके डी नंबर सही आंसर है। चलिए 84 जो है ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग कहाँ किया जाता है ये पूछा गया है, तो डी नंबर में इसमें संचार में किया जाता है। चलिए इसमें आपको विषम पूछा गया कि कौन सा छांटना आपको कौन सा लगे। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है ये पूछा गया, तो ईमेल भेजने में इसका उपयोग होता है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि कौन सा प्रणाली एक डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली है, तो ये सब आपका देखिए पूछा गया है, तो ये ओरेकल जो है आपका ये डाटाबेस है। चलिए उसी प्रकार आपका 88 पूछा गया है, रीजनिंग से क्वेश्चन है आपका, रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए इसका सही आंसर बी होगा। 89 देखिए आपका पूछा गया है, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछा गया कि 2015 के किस राज्य में गर्मी के मौसम के दौरान जंगल में आग घटना को जांच करने के लिए जो सैटेलाइट ट्रैकिंग प्रणाली जो बनाई गई थी वो किस स्टेट में बनाई गई, तो ये बी नंबर इसका सही आंसर होगा। चलिए 90 जो क्वेश्चन है आपका, वो आपका शॉर्टकट की से पूछा गया, जिसमें कि आपको पूछा गया कि एक फाइल को खोलने के लिए आपको कौन सा है, तो ओपन फाइल होगा, कंट्रोल ओ होगा इसका सही आंसर। उसके बाद रासायनिक नाम पूछा गया आपका, नमक का पूछा गया है, NaCl, बहुत इजी क्वेश्चन था। 92 पूछा गया आपका कि गूगल क्रोम जो है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो ये आपका वेब ब्राउजर है। चलिए 93 आपसे पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट का जो अभी न्यू वर्जन जो ब्राउजर आया है वो जो कि विंडो 10 PC और आपका स्मार्टफोन में शामिल किया जाएगा, तो आपका सी नंबर है 8। तो इस प्रकार का जो नई जो सॉफ्टवेयर जो आपके निकालते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट, उस रिलेटेड क्वेश्चन आपके हमेशा पूछे जाते हैं, तो उस समय आपके सी नंबर इसका सही आंसर है। चलिए 94 जो है वो आपका रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि आपका सर्किल रिलेटेड था, जिसमें अगर आपको बिठाना था उसमें। तो चलिए 95 देख लीजिए, इसमें आपको पूछा गया कि डैश को संगणन को हृदय कहा जाता है, किसको कहा जाता है आपका, देखिए माइक्रो प्रोसेसर को आपको हार्ट कहा जाता है। चलिए उसके बाद है 96, 96 में आपका है कि इनमें से कौन सा प्रयोग एक स्नेहक के रूप में किया जाता है, तो आपका ये ए नंबर होगा, ग्रेफाइट सही आंसर। चलिए 97 जो है ये आपका देखिए डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपका सही आंसर जो होगा डी नंबर होगा, दक्षिण पूर्व। 98 क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर वीडियो रिकॉर्ड के लिए आपका क्या यूज किया जाता है, तो आपका ये सी नंबर होगा, वेबकैम का यूज करते हैं हम लोग। 99 क्वेश्चन है आपका कि लकड़ी डैश के निर्माण में इस्तेमाल की जाने वाली मुख्य कच्ची सामग्री है, तो आपका बी नंबर होगा, कागज। उसके बाद 100 देखिए नंबर क्वेश्चन है आपका, ये आपका देखिए मैथ का क्वेश्चन है, तो आपका सही आंसर जो होगा 89 होगा। चलिए 101 है आपका मालदीप का मुद्रा, मुद्रा से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपका ये डी नंबर होगा सही आंसर। चलिए 102 जो है आपका देखिए रीजनिंग का है, सीरीज का क्वेश्चन है, तो बी नंबर होगा 24। चलिए 103 जो है 2 MB जो है वो कितना KB के इक्वल है ये पूछा गया था, तो 2048 ये याद रखिएगा आप। चलिए 104 क्वेश्चन जो है उसमें आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, कोडिंग वाला है, इसमें कोडिंग निकालना होगा आपको, तो आपका गुड का इसमें पूछा गया था। तो 105 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है, तो सी नंबर पारा का। फूलों की घाटी डैश राज्य में स्थित है ये आपका पूछा गया है, तो इसमें सही आंसर होगा ए नंबर, उत्तराखंड। 107 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपका बी नंबर होगा, इसका रीजनिंग का क्वेश्चन है आपका ये। 108 क्वेश्चन जो है पूछा गया है आपका कि कौन सा आपकी नया एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आपका आया है, तो आपका देखिए उस समय आपका देखिए ये डी लॉलीपॉप आपका आया था, तो उसी हिसाब से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी नया जो जो भी अभी ऑपरेटिंग सिस्टम नया अभी आया होगा वो आपसे क्वेश्चन पूछता है। चलिए 109 जो है आपका क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि मध्यान्ह डैश में पाए जाते हैं, ये आपका पूछा गया है, तो डी नंबर होगा आपका, ये कॉस्मिक किरणें। चलिए 110 आपका पूछा गया है कि गांधी जी का जो राजनीतिक गुरु का नाम क्या था, तो सी नंबर होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए 111 नंबर क्वेश्चन आपका राज्यपाल से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो देखिएगा आपके मुख्यमंत्री और राज्यपाल रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो आपका उस समय जो थे आपके छत्तीसगढ़ के राज्यपाल वो आपके बलराम दास टंडन थे आपके, ए नंबर का सही आंसर। 112 देखिए ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ईस्ट एक डैश है, तो आपका ए नंबर होगा, कुकुरमुत्ता। चलिए उसके बाद 13 नंबर आपका क्वेश्चन जो है वो आपका मैथ से क्वेश्चन था, इसका सही आंसर आपका 26 किलोमीटर का सही आंसर है। 114 देखिए आपका विषम छाटना है आपको इसमें से। उसके बाद 115 जो है वो दिल्ली की पहला महिला शासक कौन है वो पूछा गया आपका, तो बी नंबर होगा, रजिया बेगम इसका सही आंसर। समुद्र चलिए 116 नंबर क्वेश्चन है आपका कि समुद्री जल का औसत लवणता कितना परसेंट है, तो 3.50% इसका सही आंसर होगा। उसके बाद आपका 117 नंबर क्वेश्चन है आपको कि संपूर्ण दस्तावेज को सेलेक्ट करने के लिए आपका शॉर्टकट की है, तो डी नंबर होगा, कंट्रोल ए।
118 नंबर क्वेश्चन आपका देखिए, रीजनिंग से क्वेश्चन था आपका, तो सही आंसर आपका ये होगा रोहन। चलिए 119 नंबर क्वेश्चन है कि जब कोई गैस तरल में बदलती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो संघनन कहते हैं इसको, ए नंबर इसका होगा। चलिए 120 नंबर क्वेश्चन आपका देखिए, मैथ से क्वेश्चन है, तो सही आंसर आपका होगा 154 वर्ग मीटर, बी नंबर इसका सही आंसर है। चलिए ये थे आपके 120 क्वेश्चंस। तो आप 120 क्वेश्चंस में देखेंगे कि रीजनिंग के जो क्वेश्चंस थे वो आपके बहुत इजी क्वेश्चंस थे, मैथ के भी बहुत इजी क्वेश्चंस थे। तो ये लेवल आपका 2015 में जो था वो आपका उस लेवल का ही क्वेश्चंस पूछा जाता था। अभी जो है वो लेवल थोड़ा टफ हो गया है, क्वेश्चंस थोड़ा ट्रिकी पूछे जाते हैं, लेकिन आपके कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके अभी भी इसी टाइप के क्वेश्चंस लगभग पूछे जाते हैं। तो आप झारखंड के क्वेश्चन इसमें देखे होंगे कि बहुत कम क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे, तो अभी के एग्जाम में झारखंड रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, झारखंड के आपके करंट अफेयर्स भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। जो मैथ के क्वेश्चन थे वो भी आपके नॉर्मल ही क्वेश्चन थे, वो भी वो आपके बहुत ईजी क्वेश्चन थे। तो ये मेरा वीडियो डालने का मकसद एक ही है कि आपके जो आने वाले जो एग्जाम हैं कॉमन ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, तो आपको इसमें एक तरह से प्रैक्टिस हो जाएगा, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इससे कुछ क्वेश्चंस भी आपके डायरेक्टली भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको कर लीजिएगा अच्छे से। और आगे जो आपका 2016 का जो क्वेश्चन, 2016 में जो आपके पूछे गए थे कॉमन ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, तो उसके सारे क्वेश्चंस को हम बहुत जल्दी ही लेकर के आप लोगों के सामने आएंगे। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।